फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इसके बारे में बात नहीं हुई है, आज इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इन दिनों से स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी भी देखेंगे तकरीबन 1.5% के आसपास तेज़ी आज के दिन से स्टॉक में देखने को मिली है, और जून के बाद से देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक लंबा ब्रेकआउट देखने को मिला। काफ़ी दिनों से जो प्राइस एक रेंज बाउंड में घूम रहा था या यूँ कहें कि नीचे की तरफ घूम रहा था, वो अब इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस गया है, और अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया हुआ है। तो मतलब अभी एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर प्राइस ठहरा हुआ है, तो यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट मार्क ऊपर जा सकता है या नहीं, जो नया लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं, काम के बारे में आपको कंपनी का पता है, काम पर हम लोग समय खर्च नहीं करेंगे। अभी सीधे चलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल के माध्यम से ये पता करते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में कहाँ पर होगा। मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो कंपनी एक पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है, यह तो आप सभी जानते हैं। तकरीबन 205 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने के बाद हुआ है। आपको पता है जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता है, और शेयर प्राइस भी बढ़ने के बाद कितना हो गया, 2.04 रुपये। देखिए कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू के करीब इस कंपनी का शेयर प्राइस पहुंच गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से बुक वैल्यू से कम था, किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस सामान्य था बुक वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE देखेंगे दोनों पॉजिटिव में आ गया है, यानी कि माइनस में नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर दे ही देगी यदि आप इसमें समय देते हैं तो। अब क्या इसमें पैसा लगाना जो नए लोग हैं उनके लिए अभी सही समय है, और जिनका पैसा पहले से इसमें लगा हुआ उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अभी हम करना होगा टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं चार्ट के माध्यम से, तो चलिए अभी हम लोग कंपनी का चार्ट ओपन करते हैं और वहाँ पर बाकी बातों को समझेंगे। तो अभी मैंने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और एक साल के चार्ट पर अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे पिछले साल दिसंबर के बाद से इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे आने लगा, और नीचे धीरे धीरे करते करते नीचे आ गया एकदम अपने ये सपोर्ट पर 1.20 रुपये के लेवल के आसपास कंपनी का प्राइस आ गया था। हालांकि ज़्यादा दिनों तक इस रेंज बाउंड में रहा नहीं, ये तकरीबन फरवरी से देखेंगे तो जून तक इस साल के मंथ में ये इसमें रेंज बाउंड में स्टॉक का प्राइस घूमते रहा। लेकिन मैं बताता हूँ जितना लंबा यह कंसोलिडेशन होता है उतना ही लंबा ब्रेकआउट भी होता है। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ जून में तो देखेंगे यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ, तकरीबन 1.20 रुपये से इस कंपनी का प्राइस उठना शुरू हुआ। प्राइस बढ़कर सबसे पहले आया इस लेवल के आसपास 1.80 रुपये, जो कि ये रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने के बाद प्राइस आया अपने तकरीबन 2.40 रुपये के आसपास, जो कि ये वाला एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ तक आया। अब आप बताइए कि बहुत कम समय में जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बॉटम से उठकर टॉप पर आ जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब जब कंपनी का शेयर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वही प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट माने नीचे आया फिर इस लेवल के आसपास, फिर यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ, फिर उठा, फिर अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हैं रिट्रेसमेंट मार रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी आप देखेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ठहर हुआ है 2 रुपये के आसपास, और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये प्राइस ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देगा। मतलब टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस में अभी भी मजबूती बना हुआ है, और जब तक ये जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 2 रुपये का, इसको ब्रेक करने के बाद यदि इस लेवल तक आता है तो थोड़ी बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है 1.80 रुपये का, ये महा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करके शेयर प्राइस इतना इजीली नीचे नहीं आएगा, तो ये अभी ऊपर ही रहेगा, और यहाँ से प्राइस और अभी ऊपर निकलेगा तो इस लेवल को ब्रेक करेगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, इजीली इसको ब्रेक कर देगा, और फिर 2.5-3 रुपये तक आपको जाते हुए इजीली इस कंपनी का शेयर प्राइस दिख सकता है। तो ये 3 रुपये के लेवल तक के लिए आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। सेल्स देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखा था, ये मार्च क्वार्टर में ज़बरदस्त कंपनी का ग्रोथ दिखा था। हालांकि मार्च के बाद फिर से कंपनी उसी पटरी पर आ गई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 2.5 करोड़ से ज़्यादा अभी भी इस कंपनी का सेल्स चल रहा है, यानी कि सेल्स अभी भी लगातार आपको बढ़ते हुए ही दिख रहा है। और सेल्स बढ़ने का मतलब हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ दिखेगा। तो यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए ये रहा नेट प्रॉफिट 3.5 करोड़ के आसपास बढ़ा है। तो ये नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखा, ये एक मान लीजिए अपवाद को छोड़ दे तो। बाकी अभी भी कंपनी के सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी का आपको मुझे पूरा यकीन है नेट प्रॉफिट और कंपनी का जो सेल्स है दोनों बढ़ते हुए दिखेगा, और इसकी बदौलत कंपनी के फंडामेंटल में आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगा। मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, कंपनी के फंडामेंटल में टेक्निकल में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में भी इंडियन इन्फोटेक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।